कुछ समझ ही है, ठीक है। अच्छी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, यू नो आप खुद एक आउटसाइडर हैं, हाउ योर जर्नी स्टार्टेड और हाउ यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, थोड़ा डिटेल में कैसे शुरुआत हुई, और यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। देखिए, आउटसाइडर तो डेफिनेटली मैं हूँ और यहाँ पर आई बहुत सारा काम भी किया, लेकिन उस वक्त जब आप आउटसाइडर रहते हैं और आपको जब किसी भी तरीके से बड़ा काम नहीं मिलता, तब तक आप पब्लिकली आते नहीं हैं लोगों के सामने। बहुत सारे लोग हैं टीवी इंडस्ट्री के अंदर जो आउटसाइड से आए हैं और उन लोगों ने अपना नाम बनाया है, और मैंने टीवी इंडस्ट्री में ज़्यादातर ऐसे लोग देखे हैं जो बाहर बाहर जगह से आए हैं और अपना नाम बनाया। तो अभी तो मैं टीवी इंडस्ट्री से इन्वॉल्व हूँ बिकॉज आई डिड रियलिटी टीवी शोज, फिक्शन शोज किए हैं। आउटसाइडर जर्नी इन टीवी इंडस्ट्री इट्स गुड, लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, बिकॉज मोस्टली फिल्म इंडस्ट्री में अपने घर वालों को, फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइडर्स। लेकिन हाँ, टीवी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आपको इतना जल्दी आगे नहीं आने देते, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 10-15 साल से काम किया और उस 10-15 साल के अंदर उनके ग्रुप्स बन गए हैं जिसके अंदर वो आउटसाइडर को इन्वॉल्व नहीं होने देते। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, इवन आफ्टर बिग बॉस ऑल्सो मेरे बहुत सारे शोज़ गए ग्रुपिज़म की वजह से जो टीवी इंडस्ट्री में था। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ काम कर सकते हैं, और एंड में सिर्फ यही चीज़ होती है कि पब्लिक डिसाइड करती है कि हु इज़ बेस्ट और हु इज़ नॉट। वन सेकेंड, हाँ गिव मी टिश्यू पेपर, मैं श्विंगम आ रहा है बाबा। अरे यार, तो अशी, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि वो लोग जो ऑलरेडी, आपने हालांकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र नहीं किया, लेकिन जब आप छोटे पर्दे की बात करते हैं, टेलीविजन की बात करते हैं, बिग बॉस से आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने, और आपने कहा कि ग्रुपिज्म बहुत था, और वो लोग जिन्होंने इंडस्ट्री को, टेलीविजन इंडस्ट्री को 15-20 साल दे चुके थे और उनका भी एक ग्रुप था, उस वजह से आपको काम मिलने में या आगे बढ़ने में या कई प्रोजेक्ट आपके गए, इफ यू कैन थ्रो सम मोर लाइट ऑन दैट कि कैसे हुआ, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जो आपको आते आते नहीं आ पाए या आप तक नहीं पहुंच पाए या किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन पाए। बहुत बार हुआ है, और ऐसा हुआ है कि फ़ोन कॉल्स आए हैं, मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे अग्रीमेंट्स हो गए हैं और मेरे डेट डिसाइड हो गया है, मेरा अकाउंट नंबर चला गया है पैसा क्रेडिट होने के लिए, और लास्ट मोमेंट पे मुझे वहाँ से पता चलता है कि क्रिएटिव टीम जो है वो थोड़ा सा डिस्कशन कर रही है इस मैटर के ऊपर, क्रिएटिव टीम जो है वो थोड़ा सा कुछ और चाहती है इन सब चीज़ों पे। तो डेफिनेटली होता है, और ग्रुपिज्म की वजह से बहुत बार मेरा काम गया है, और मैंने ये बात हमेशा खुल के बोली है कि यस, ये वाला काम मेरा गया, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ इन टीवी इंडस्ट्री। आई डोंट नो अबाउट फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में अभी हमने कदम नहीं रखा, हम टीवी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। तो बिल्कुल मेरे, मैं जरूर कहूंगी कि बिग बॉस के बाद मेरे 8-10 बहुत बड़े बड़े काम गए हैं बिकॉज ऑफ ग्रुपिज्म, लेकिन ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मिली हैं टीवी इंडस्ट्री में जो आपको अपनी मेहनत से मिली हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको काम नहीं मिलता, काम मिलता है, लेकिन आपको जब तक आप उस ग्रुपिज्म का हिस्सा नहीं होते या फिर लोगों के साथ आप इन्वॉल्व नहीं होते या फिर वो अपनी लॉबी में आपको शामिल नहीं करते हैं, जब तक आपको उस लेवल का काम नहीं मिल पाता जो आपकी चाहत होती है। अच्छा, अगर आप उन कामों का जिक्र बताना करना चाहें जो आप किसी और ने किए, फिर कैन नेम समवन? नहीं, बहुत सारे हैं मेरे पास, जैसे एकता के दर से ही बहुत सारे रोल्स के ऑफर्स आए थे, अभी कुंडली भाग्य के लिए आया था, बहुत सारे हैं, मतलब अभी तो याद भी नहीं रहते, इतने कॉल्स आ जाते हैं और उसके बाद फाइनल डिस्कशन हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं। तो इट्स डिपेंड, हो सकता है क्रिएटिव टीम को लास्ट मोमेंट पे एकदम से चक्कर आ जाता कुछ भी हो सकता है। कुंडली भाग्य का आपने जिक्र किया, किस किरदार के लिए आपको जीरो डाउन? मुझे निगेटिव लीड जो उनका अभी हटा था उसके लिए उन्होंने कॉल किया था, और हमारे बहुत अच्छे से डिस्कशन भी होता, लेकिन मैं उनको ब्लेम नहीं करती। मेन चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि ग्रुपिज्म होता है, लोगों की बातचीत होती है, जिनके ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस होते हैं, जो बहुत सालों से इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं, तो उन्हीं का ज़्यादा सिक्का चल पाता है उस टाइम, क्योंकि वो उस लॉबी के मेंबर होते हैं। तो आई थिंक सो, अभी मुझे 3 साल ही हुआ है, लेट्स सी आगे देखते हैं। ओके, जिस तरह से अर्शी पूरे हिंदुस्तान में आज रोज हम सुन रहे हैं कोई ना कोई बलात्कार किसे सो रहा है, और हाथरस का केस तो पूरे हिंदुस्तान में एक डिबेट का मुद्दा बन गया है, क्या वजह मानती हैं आप, और हाउ इम्पोर्टेंट यू फील सेक्स एजुकेशन?
देखिए, हाथरस के अंदर जो भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा, एक मुझे तो बहुत ही ज़्यादा घटिया लगा वो जो भी काम हुआ है, क्योंकि मैंने जितना उस चीज़ के ऊपर डिटेल में गई हूँ, मुझे ये पता चला कि वो लड़की, सबसे पहली बात तो 15 दिन के बाद मीडिया ने वो न्यूज़ को चलाया, उससे पहले वो लड़की का जो भी गैंग रेप हुआ उसको कन्वर्ट कर दिया कि वो तो लड़ाई झगड़ा हुआ था, फिर ये बोला गया कि वो बड़े गंदे तरीके से उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि उसका, उस जो भी विक्टिम था जिसके साथ उसका रिलेशन था, वो खेत में पाई गई, जो भी चीज़ें की हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि देखिए, हर हर लड़की हिंदुस्तान की बेटी होती है, चाहे वो निर्भया हो, जो भी है, बिकॉज आप निर्भया के केस में सारा मीडिया आ गया था, सब ने आकर बहुत अच्छे से सपोर्ट किया वहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से जो फास्ट ट्रैक कोर्ट थी उसने ऑर्डर सुनाए, सब चीज़ें करी, और सारे लोग मीडिया से लगा के पूरे बड़े बड़े टॉप ए क्लास ए ग्रेट एक्टर्स भी जो थे वो निर्भया केस में आए, लेकिन इस टाइम में मुझे कुछ नहीं दिखा, बिकॉज अगर आपने कुछ किया नहीं है तो वो जो लड़की है उसकी फैमिली वालों को ना उसका बॉडी दिया है, उन लोगों ने उस लड़की को जला दिया है, उनका फोन टैपिंग पे लगा दिया है, उसके माँ बाप को नहीं देखने दिया, जबकि निर्भया के केस में तो उसको सलामी दी गई, उसके फैमिली वालों को बुलाया गया, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, और उसके बाद ये बोला जा रहा है कि नहीं, उसका रेप नहीं हुआ है, वो लड़की के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा सवाल है कि मतलब उनको उनको भी सपोर्ट करना चाहिए था कि हाथरस के अंदर अगर गैंग रेप हुआ है तो उनको भी फुल्ली वो चीज़ें सामने लेकर आना चाहिए थी, ना कि उसको कवर अप करना चाहिए, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे जो जनरेशन है, जो लोग हैं, वो यही सोचेंगे कि ठीक है हो गया, रेप हो गया, लेकिन कुछ होता तो है नहीं ना। आई थिंक, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जैसे निर्भया के केस में लिया था, तो लोगों को बहुत अच्छे से पता चला था कि अगर रेप होगा तो फांसी होगी और इतने दिन के लिए जेल के अंदर जाएंगे, और इस तरीके से उन जितने जो 6 लड़के थे उनको भुगताया गया, लोगों को दिखाया गया कि देखो इन्होंने रेप किया है, तो वही होना चाहिए था, बट जो डाइवर्ट किया है और जो सपोर्ट मिल रहा है, इट्स नॉट गुड, बिकॉज आप जहाँ पर हैं वहाँ पर उन लोगों को, अब लोगों को लगेगा कि रेप करना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, होता है वो, तो इट्स नॉट अ बिग डील। क्या आप मानती हैं कि अलग अलग तरह से इंपॉर्टेंस दिया गया? जब मैं निर्भया की केस की बात करता हूँ, शी वॉज एयरलिफ्टेड एंड शी वॉज टेकन टू सिंगापुर ऑल्सो फॉर द ट्रीटमेंट, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, अलग अलग ट्रीटमेंट दिया गया? यस डेफिनेटली, बिकॉज वही मैंने निर्भया का बोला कि उसके केस में तो सबने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, मीडिया ने सपोर्ट किया, लेकिन इस लड़की के केस में किसी ने सपोर्ट नहीं, मीडिया ने तो 15 दिन के बाद सवाल उठाना स्टार्ट किया उसके ऊपर, तो वो बिल्कुल लग रहा है कि इसके केस में मतलब सारे लोग खड़े हो गए और इसके केस में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। क्या मानती है सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज की तारीख में? डेफिनेटली, आप जब अपने बच्चों को गुड टच बैड टच बताते हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि रेप क्या चीज़ है और सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, सेक्सुअल मोलेस्टेशन क्या होता है, ताकि बच्चों के दिमाग के अंदर वो चीज़ रहे और उसकी एजुकेशन होना चाहिए। मेरे हिसाब से जैसा मैंने अभी अनुराग कश्यप के केस में देखा, अब क्या करते हैं वो लोग, वजाइना के ऊपर स्टार लगा देते हैं, पेनिस के ऊपर स्टार लगा देते हैं, लेकिन रेप के ऊपर नहीं लगाते। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ ये है कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को गलत उसमें लग के लिख रहे हैं स्टार, लेकिन जो मेन चीज़ जो रेप केस है, जो रेप किया है, जो रेपिस्ट है, उसके ऊपर आप स्टार नहीं लगा रहे, मीन्स वो गलत चीज़ नहीं है, आप लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर स्टार लगाना चाहिए और बच्चों को वो एजुकेशन देना चाहिए कि रेप करना गलत है, और वो मेरे हिसाब से मैं तो अपने बच्चों को डेफिनेटली बताऊँगी, और इंडिया के अंदर भी लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। क्या आप मानती हैं कि मीटू के इस मूवमेंट को भी गलत तरीके से मिसयूज करा गया? देखिए, मैं सबके बारे में ये चीज़ नहीं बोल सकती, लेकिन अभी जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं जो 10 साल के बाद सवाल उठते हैं, 15 साल के बाद सवाल उठते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसी वक्त क्यों नहीं किया जाता, किस चीज़ के ऊपर आप डर जाते हैं, आपको क्या हो जाता है? मेरे हिसाब से अगर जिस वक्त किया है, और मेरा सर ये मानना है कि आप ट्विटर, सोशल मीडिया, ट्रेंडिंग, ट्रोलिंग, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी जैसे अभी अनुराग कश्यप का केस था, वो लड़की ने पायल
पायल घोष, उन्होंने सबसे पहले ट्विटर पे अनाउंसमेंट किया, वो पुलिस के पास नहीं गई थी, पहले उन्होंने ट्विटर पे अनाउंसमेंट किया। मेरे हिसाब से जो विक्टिम रहता है वो सबसे पहले पुलिस के पास जाता है, वो अपनी सारी बात बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ, ट्विटर पर नहीं जाता। और ट्विटर पर आप इतना खुल के बात कर रहे हो, सारी चीज़ें बता रहे हो कि उसने ऐसा किया, ये खोला, वो किया, ये किया, तो ये सब चीज़ें मतलब मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो ये सब बातें बताने में काफ़ी डरते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या हुआ है कैसे बताएंगे, लेकिन वो ट्विटर के ऊपर खुलेआम बताया जा रहा है, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। मेरे हिसाब से सबसे पहले पुलिस के पास जाना चाहिए, अगर आपके साथ हुआ है तो वो तो उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। क्या आपको नहीं लगता कि अब करंट सिनेरियो में कहीं बॉलीवुड भी बहुत दबा दबा है, जिस तरह से खुल के बोलना चाहिए या अपनी बेबाकी से बात रखनी चाहिए वो रख नहीं पा रहा है? मैं निर्भया का फिर जिक्र करूंगा, बहुत सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान जितने दिग्गज हैं, सबने कहीं ना कहीं अपनी अपनी राय, अपना नजरिया रखा था, लेकिन अब बहुत अपने आप को पीछे होल्ड करके रखते हैं। वही थिंग्स बहुत ज़्यादा, मैं हम भी कभी कभी बात करने में डर जाते हैं क्योंकि लगता है कि कुछ गलत स्टेटमेंट नहीं निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर हर बात को डबल मीनिंग पे रख दिया जाता है। अगर निर्भया के केस में मेरे हिसाब से सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा लोग सेलिब्रिटीज़ को इतना टारगेट नहीं करते थे, एंड आई एम वेरी मतलब मुझे बड़ा बुरा लगा, कल मैंने धोनी की बेटी का देखा तो उसमें उसकी बेटी के ऊपर रेप का थ्रेट दे रहे हैं, मतलब कुछ भी इनके लिए तो रेप बहुत आम चीज़ हो गई है। और यही मैं कहती हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है, यहाँ पर ये जो सब चीज़ें की जा रही हैं, मुझे ही दिन भर गाली पड़ती रहती है, मुझे ही दिन भर कुछ ना कुछ पड़ता रहता है, सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये रेप की धमकी उठा के महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को दे दी कि तूने गेम नहीं जीता तो ऐसा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो आई डोंट थिंक सो। मुझे समझ में नहीं आता कि इनका जो इंडिया में जो लोग हैं उनका क्या मैंटेलिटी, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उस चीज़ की वजह से मुझे, मैंने और भी डिबेट्स में ये चीज़ बोली है कि जब जब सुशांत का जिक्र आया तो लोगों ने, जब उसका डेथ हुआ तो सबने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था, तो उस पोस्ट में ही इतनी गालियां बक दी हैं, चाहे करण जौहर हो, आलिया भट्ट हो, सबको गाली पड़ी है कि तुम लोगों ने मारा, तुम लोगों ने मारा, तुम लोगों ने मारा, तूने ड्रग्स दिया होगा, तुम लोगों ने मारा। तो डेफिनेटली लोग डरते हैं अभी बोलने के अंदर, क्योंकि कौन इल्जाम झेलेगा, कौन इतना गाली खाएगा, कौन क्या क्या करेगा। चैनलों को लेके भी बस सवालों के घेरे में, अभी रिसेंटली एक चैनल सवालों के घेरे में आया है, जहाँ मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर है उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो चालू है, टीआरपी की टीआरपी का पूरा फ्रॉड पकड़ा गया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे उन चैनलों के डिबेट में भी बहुत हिस्सा रहेंगे आप। यू आर टॉकिंग अबाउट रिपब्लिक, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में पता नहीं, अर्नब तो मज़ेदार ही है और क्या बोलूँ उसके बारे में, ठीक है, लेकिन अगर हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन होगा और टीआरपी की जांच होगी कि फेक है रियल है, बट वो तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है कि मेरा चैनल इतना ऊपर है कि दूर दूर तक कोई नहीं और पास पास तक कोई नहीं और तक 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 कुछ नहीं, तो आई डोंट नो अबाउट अर्नब गोस्वामी, ही इज़ अ फुल्ली एंटरटेनमेंट। अच्छी, बिग बॉस अब चालू हो चुका है, बिग बॉस का आप हिस्सा रही हैं, क्या आप फॉलो अप ले रही हैं, क्या आप देख रही हैं बिग बॉस? देख रही हूँ मैं बिग बॉस, लेकिन कम वक्त मिल रहा है, लेकिन फिर भी देख रही हूँ। ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, देखते हैं कंटेस्टेंट आगे आगे क्या करेंगे, बट थोड़ा सीनियर सिटीजन जो है वो थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट दिखाएं तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या आपको नहीं लगता कि सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान एक ग्रुप हो गया और गौर अलग अकेली पड़ गई है? वो तो बनता ही है, हर 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 हफ्ते जो है वो उस घर की एक कैलकुलेशन चेंज होती है, तो उसके ऊपर मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि कभी मेरी कैलकुलेशन आकाश के साथ ज़्यादा अच्छी रहती थी हफ्ते में, कभी शिल्पा के साथ अच्छी रहती थी, कभी विकास के साथ, कभी हितेन के साथ, तो वो घर की ये चलती है, वो चलता है, इतना बिग डील नहीं है वो। उनके जो इंसिडेंट हुआ था, मतलब इट वाज नॉट दैट प्लीजेंट और गुड इंसिडेंट, जो गौहर को चाटा किसी फैन ने मारा था लॉन्ग बैक, उसको कल उसी की मौकरी करी, उसी का मजाक उड़ाया हिना ने और सिद्धार्थ शुक्ला ने, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे बस यही चीज़ बुरी लगती है, किसी की चीज़ पे पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, और वो चलता है वहाँ पर, करते हैं पर्सनल अटैक, और वो लोग करते हैं, उन लोगों की आदत है, वो पब्लिक पसंद भी करती है, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। Whom do you see as a love angle, you know, जिनका love angle अच्छा रहेगा, पवित्रा और राहुल वैद्य और पवित्रा और तंबोली? तंबोली
दम बोले की तो आवाज मुझे समझ में नहीं आती, बट आई लाइक रुबीना, रुबीना अच्छी लगती है मुझे। जैस्मिन बहुत क्राइंग बेबी लगती है और रोती रहती है, रोती रहती है। लेट सी, अभी मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है इन लोगों के बारे में, अभी तो एक हफ्ता ही हुआ है, एक हफ्ते में आप, 3 हफ्ते के बाद जरूर मैं डिसाइड कर सकती हूँ किसके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट हफ्ते में मुझे खुद ही नहीं पता था कि कौन मेरा अपना बनेगा, कौन मेरा पराया बनेगा। अर्शी, आगे क्या प्लान है आपका? जैसे मैं एकता की बात करता हूँ, नेगेटिव किरदारों के लिए जैसे आपको उन्होंने बात की, डिस्कशन रहा, क्या हम देख सकते हैं किसी बड़े मेगा डेली शो में आपको? हाँ, मेरे अभी चैनल पे रिलीज होने वाले शोज, वो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगी, मैं आपको बुलाऊंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जैसे ही प्रोमो स्टार्ट हो जाएगा सबसे पहले आपको ही भेजने वाली हूँ। प्लीज लेट अस नो किस चैनल पे, कलर्स पे, स्टार पे, किस पे? अभी चैनल जो है वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि प्रोमो जिस दिन आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी डेट है आई थिंक 17-18 को आएगा। क्या हम एक और नागिन देखेंगे? मैं तो रियल जिंदगी में नागिन हूँ, मुझे नागिन बनने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कट इस देने बैठे हो, बात करते हो, ऑडियो निकाल देना।